पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव ने हासिल की जीत। आरजेडी जेडीयू के उम्मीदवारों को पप्पू यादव ने दी पटखनी। पप्पू की जीत तेजस्वी की बड़ी हार क्यों बनी? लोकसभा चुनाव में बिहार का पूर्णिया सीट बेहद हॉट सीट शुरू से ही बना रहा। वजह रहे पप्पू यादव। पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय रूप में चुनावी मैदान में हुंकार भरी थी। पप्पू यादव को अपने विश्वास के मुताबिक पूर्णिया लोकसभा सीट से जीत भी हासिल हो गई है। पप्पू यादव की यह जीत दोहरी जीत मानी जा रही है, क्योंकि पप्पू यादव ने एक ही साथ बिहार के दो पार्टियों को पटखनी दी है, साथ ही तेजस्वी यादव की बोलती भी बंद करा दी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पप्पू यादव के निकटतम प्रतिद्वंदी जेडीयू के नेता संतोष कुमार को 4,20,000 से ज्यादा वोट मिले, वहीं आरजेडी की बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही। जहां तक पप्पू यादव की बात है, पप्पू यादव की जीत के पीछे तकरीबन 4,40,000 वोटर्स का हाथ रहा, क्योंकि पप्पू यादव को इतने ही वोट पूर्णिया की जनता ने दी है। पप्पू यादव की ये जीत बेहद आसान नहीं रही, क्योंकि इसके लिए उनको केवल अपने ही दम पर चुनाव लड़ना था, क्योंकि उनको किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। गौरतलब है पप्पू यादव ने चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन किया था। उम्मीद थी कि कांग्रेस उनको पूर्णिया से टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के हिसाब से पूर्णिया लोकसभा सीट आरजेडी के पाले में चली गई थी। जहां से आरजेडी ने बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा था, वहीं पप्पू यादव के लिए तेजस्वी यादव भी नेगेटिव चुनाव प्रचार कर चुके थे। तेजस्वी यादव ने तो इतना तक कह दिया था कि चाहे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिताइए, चाहे एनडीए के कैंडिडेट को जिता दीजिए, लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया ना जीत पाए। शायद यही वजह है कि पप्पू यादव की इस जीत को एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने से पहले पप्पू यादव पूर्णिया सीट से ही दावेदारी करते दिखते आ रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने कई बार कहा था कि पूर्णिया की जनता ही उनके लिए सब कुछ है और वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलने के बाद मीडिया रिपोर्ट तो यहाँ तक आई थी कि उन्होंने आरजेडी का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी दाल लालू यादव के सामने नहीं गली, जिसके बाद पप्पू यादव अपनी जनता के साथ नहीं छोड़ने के मजबूत इरादे के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही पूर्णिया से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। जिसके बाद अब जब उनके पक्ष में नतीजा आया है, वो ये जाहिर कर दे रहा है कि पूर्णिया की जनता पर उन्होंने जो भरोसा जताया था, अपने विश्वास पर पप्पू यादव खरे उतरे हैं। बहरहाल पूर्णिया की जीत का जश्न पप्पू यादव और उनके समर्थकों के बीच जमकर मन रहा है, क्योंकि ये खुशी दोहरी जो है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।